गुड मॉर्निंग इंडिया। मंडे टू फ्राइडे बैक टू क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडियाज नंबर 1 स्टडी चैनल, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। नाउ शुरू करते हैं सेशन को, लेकिन उसके पहले मैं टाइमर लगा के मिस्टर इंडिया बन जाऊं। ओके चलो, तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये है हमारा टाइमर, साइड में चुपचाप से पड़ा रहता है। ओके चलो, सबसे पहला सवाल देखो भाई। सबसे पहला आपसे सवाल जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि जो पहले प्रेसिडेंट बीसीसीआई के थे वो कौन थे? बीसीसीआई के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, अब आंसर बताइएगा। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? ओके, ऑप्शंस आप लोगों के आंसर्स तो आ रहे हैं, सही भी आ रहे हैं, ठीक है। देखो भैया, सबसे पहले की आपसे बात कर रहा है ना, तो जो आपका सबसे पहले वाले प्रेसिडेंट थे, इनका नाम कुछ आर से लग रहा है आपको, कुछ एम से लग रहा है, कुछ एस से लग रहा है, कुछ एम से लग रहा है, कैसे लग रहा है? यस, करेक्ट, द आंसर इज आर.ई. ग्रंथ गोविंद। ठीक है, ये आपके पहले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। अगर हम लोग बात कर लें कि अभी फिलहाल में जो है बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइएगा आप लोग। What is the full form of BCCI? अभी कौन बना है ये भी बताइए। कुछ दिन पहले अक्टूबर के समय में एक खबर आई थी ना कि सौरव गांगुली जो है, जो कि इंडियन कैप्टन रह चुके हैं, वो इलेक्ट किए गए हैं अगले प्रेसिडेंट BCCI के। ओके, BCCI क्या करता है? हमारे नेशनल लेवल पर कंट्रोल को क्रिकेट करता है, सॉरी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, तो चलिएगा, द करेक्ट आंसर इज आर्य ग्रंथ भुवन। अगला आपके सामने सवाल है वो है इंडियन फुटबॉल टीम जो है मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस एट ओलंपिक्स इन। भारतीय टीम जो है पहली अपनी अपीयरेंस ओलंपिक्स में कब बनाई थी? देखिएगा कब बनाई थी। हाँ सही है, बिल्कुल सही, द आंसर इज 1948। 1948 में लंदन जो है होस्ट किया था समर ओलंपिक्स, उसमें इंडियन फुटबॉल टीम ने अपना ओलंपिक अपीयरेंस बनाया था पहली बार। किसके खिलाफ पूछा जाता है तो फ्रांस के अगेंस्ट में किया गया था। ठीक है, उस समय जो है भारत आज़ाद हुआ था, न्यूली इंडिपेंडेंट था। इसका जो सही आंसर है वो है 1948। अगेंस्ट विच कंट्री? आपको क्या बताया गया, अगेंस्ट विच कंट्री? अगेंस्ट फ्रांस। ओके, लंदन समर ओलंपिक्स में। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू द 5 रिंग ऑन द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट? जो 5 रिंग होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो 5 रिंग्स की आपसे बात कर रहा है ना, तो देखो ओलंपिक जो होता है ना, बेसिकली इसका आप लोग देखते होगे, अगर हम लोग बात करें ओलंपिक्स की तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, और इसके साथ में एक येलो ले लेते हैं, फिर इसके साथ में एक ब्लैक ले लेते हैं। बहुत अच्छी मैं कलाकार तो नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, आप लोग प्लीज तालियां बजाइएगा। ये हो गया, ये थोड़ा सा डार्क होता है, आप लोगों ने देखा होगा, और फिर एक ये कलर होता है। इस तरीके से आप लोग देखते होगे ओलंपिक को, है ना। जो फ्लैग होता है ना, बेसिकली उसका व्हाइट बैकग्राउंड होता है, ठीक है, और ये अलग अलग रिंग्स करता है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ठीक है, जो डिजाइन होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 5 कॉन्टिनेंट हमारे विश्व के, उन्हें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसके बैकग्राउंड में ना 6 कलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, व्हाइट और ये सारे कलर। तो ये बेसिकली क्या है, जितने भी विश्व में झंडे है ना अलग अलग देशों के, उसको दिखाता है। तो यही चीजें रिप्रेजेंट करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है कि ये रिप्रेजेंट करता है क्या, द 5 कॉन्टिनेंट्स। दिस इज द आंसर। हट जाता, हाँ भाई ठीक है, तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि जो ओवल स्टेडियम है इंग्लैंड में, ये एसोसिएटेड है किस चीज से? ओवल किस चीज से रिलेट करता है? देखो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो ओवल होता है ना, ये स्पॉन्सर क्या करता है किया ओवल को, ठीक है। और इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो कि कैनिंगटन, लंदन, बोरो और लैम्बर्थ साउथ लंदन में है, ठीक है। जो ओवल है वो होम ग्राउंड है सरी कंट्री क्रिकेट क्लब का, ठीक है, जब से वो शुरू हुआ था 1845 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिकेट। टेनिस हो गया या फुटबॉल हो गया या हॉकी हो गया, तो ये जो ग्राउंड्स होते हैं जनरली, जैसे टेनिस कोर्ट है ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, फुटबॉल ग्राउंड होता है, तो जो फुटबॉल ग्राउंड होता है ये भी आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे, फिर ये सब बने रहते हैं गोल्स एंड ऑल, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता होगा, ऐसे टीम्स यहाँ रहती हैं। तो देखो जो फुटबॉल होता है ना, इसकी जो लंबी लंबी लाइन है इसको टचिंग कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, गोल लाइन। इसी तरह से हॉकी की भी हम लोग, सॉरी ये फुटबॉल हो गया, इसी से तरह से अगर हम लोग हॉकी भी बात कर लेना, तो हॉकी में भी ऐसे ही रेक्टेंगुलर शेप ही होता है, ठीक है। और जो लॉन्ग लाइन होती है उसको साइड लाइन कहते हैं और बाकी को क्या कहते हैं, बाकी को कहते हैं टो बैक लाइन, ठीक है। तो इसका आंसर सही था आपका क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्जीरिया की करेंसी क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ अल्जीरिया? बताइएगा सब लोग, आसान सवाल है यार, कई बार हम लोगों ने किया है ना। देखो अल्जीरिया की करेंसी याद करना बड़ा आसान चीज़ है, इसकी जो करेंसी होती है वो क्या होती है, हाँ कंफ्यूजन होती है ना, इन सारी चीज़ों को देख के लगता है क्या चल रहा है यार, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसी बड़ी कंफ्यूजन आती है, ठीक है। अच्छा कैपिटल भी बताइएगा साथ में आप लोग। देखो करेंसी होती है अल्जीरियन दिनार, जहाँ पे दिनार, दिरहम, रियल, रियाल, रियल ये सब आ जाता है, वहाँ पे बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, है ना। चलो अब इसके अलावा अल्जीरिया का जो आपका कैपिटल होता है वो क्या होता है, वो भी बताइएगा, अल्जर, ठीक है, अल्जर करके लोग बताते हैं, तो दैट इज द करेक्ट वन। अगला देख लें हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि WWW का मतलब क्या होता है। एकदम इसको तो आप लोग यूं बता दोगे एकदम, है ना, ओके देखो WWW ऑब्वियसली क्या, वर्ल्ड होल वेब, नो, वाइड वर्ल्ड वेब, नो, वेब वर्ल्ड वाइड, ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। WWW आपका दर्शाता है वर्ल्ड वाइड वेब को, ओके और इसको किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने, ओके तो इसका सही आंसर हो गया WWW। www.wifistudy.com, सुष्मिता मैम की क्लास 12 बजे की, उसमें लोगों को भर डालो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है बताइएगा। ओके देखो भाई इसका सही आंसर क्या है आपका, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका बांधवगढ़ मिल गया, इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक होता है आपका फॉसिल, ठीक है, इसके अलावा होता है आपका एक कान्हा, फिर होता है माधव, फिर होता है पन्ना, पेंच, संजय, सतपुरा, ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, ओके तो याद रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि Which of the following is wrongly matched? इनमें से कौन सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है, इसको देखते हैं आप लोग बता सकते हो, प्लीज सही बता देना, इसका सही आंसर क्या होगा। ये अगर देखो तो बिल्कुल सही से मैच है, एकदम सही है, ये भी सही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नागार्जुन सागर की बात कर रहा है ना, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कृष्णा, ओके इसलिए ये गलत है, कावेरी इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कहां पर स्थित है हेड ऑफिस ILO का, ILO का हेड ऑफिस कहां पर स्थित है। देखो ILO की आपसे बात कर रहा है, ये आपका स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, गाय राइडर जी इसके हेड है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे पूछता है तो वो यूएनजीओ होगा। इसका सही आंसर है जिनेवा, ठीक है, जिनेवा में स्थित है ये। कब बनाया गया था? इस साल इसके जो है 100 साल पूरे हुए हैं, ये पिछले साल हुए थे 1919 में बनाया गया था, इसलिए इससे लगे हुए सवाल काफी सारे आ गए थे एग्जाम्स में। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैग्नस कार्लसन प्लेयर कौन से खेल से संबंधित है? मैग्नस कार्लसन किससे संबंधित है? देखो मैग्नस कार्लसन ने जो है ये हर बार रिकॉर्ड ही करते रहते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक और इनका आया था चेस में, इन्होंने एक नया हिस्ट्री बना दिया है, अनबीटन रन 111 सक्सेसिव क्लासिकल गेम में, ठीक है। इन्होंने 110 गेम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो कि सर्जी तियाकोव ने 2005 में बनाया गया था। कार्लसन विश्व के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, ठीक है। इनका जो टैलेंट है उसके बदौलत इन्हें बेस्ट प्लेयर माना जाता है, ठीक है। इन्हें और क्या डिस्क्राइब किया जाता है? मोजार्ट ऑफ चेस, ठीक है। खैर, तो चलिए इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चेस। कौन से देश के हैं ये बताइएगा? ये है नॉर्वेजियन, नॉर्वे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है कि कितना नंबर होता है रेड बॉल का स्नूकर में? स्नूकर में रेड बॉल्स कितने होते हैं? ओके, वेरी गुड। अरे इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा 15 होते हैं टोटल स्नूकर में रेड बॉल्स। ओके, याद रखना। और पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, पॉइंट्स अलग अलग के लिए होते हैं। रेड के लिए 1, येलो का 2, ग्रीन का 3, ब्राउन का 4, ब्लू का 5, पिंक का 6, ब्लैक का 7, ठीक है। ऐसे इन्हें पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। खैर, किसी महान स्नूकर का बताइएगा, किसी महान स्नूकर प्लेयर का नाम बताइएगा। किसी का नाम याद आ रहा है आप लोगों को? एक का नाम तो याद आना चाहिए, आडवाणी साहब, है ना। तो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं इसके लिए वो हैं आडवाणी साहब। ओके, 12 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं, और अभी तक ये 30 के भी नहीं हुए थे, 29 के थे, अब हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। जब उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया था तब की बात बेसिकली हो रही है, ठीक है। अच्छा, पंकज हाडवाणी एक्चुअली ये किसी और भी गेम से रिलेटेड है क्या, या किसी और गेम का नाम सेम है? चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है रोवर्स कप कौन से खेल से संबंधित है? ये आसान सवाल है, इसमें बिल्कुल भी समय लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इसका सही आंसर है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स सदस्यों का नाम बताइएगा। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, देखने में भले आपको टाइम लग सकता है। अब एक बात देखो, ब्राजील, रोमानिया, नहीं गलत, ब्राजील, रशिया, इंडोनेशिया, गलत, ब्राजील, रोमानिया, इंडिया, गलत, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 5 सदस्य हैं ब्रिक्स के। पहले ब्रिक्स था, फिर साउथ अफ्रीका जुड़ा और ब्रिक्स हो गया। और इसके साथ में ही ब्रिक्स का जो बैंक है उसको एनडीबी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और ब्रिक्स की जो इस बार का सम्मेलन था वो ब्राजील में हुआ था। इसके साथ ही साथ एक बेसिक भी देश है जिसमें से आप अगर रशिया को हटा देंगे तो आपको बेसिक मिल जाएगा। बेसिक का भी जो सम्मेलन हुआ था वो ब्राजील में ही हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रिक्स में से R माइनस कर दो तो बेसिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था जिसने अर्थ को ऑर्बिट किया था? बताइएगा। सही आंसर क्या है? बताए तो सही हो आप लोग। इसको हम लोगों ने बहुत पहले भी डिस्कस किया, और इनफैक्ट कई बार हमें लगता है हमने इसको डिस्कस कर लिया है ना। इसका जो आपका सही आंसर है वो है स्पुतनिक 1, ठीक है, जो सोवियत संघ है उन्होंने लॉन्च किया था इस एलिप्टिकल लो ऑर्बिट अर्थ को, अर्थ लो ऑर्बिट में, ठीक है, 4 अक्टूबर 1957, 3 हफ्ते के लिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पुतनिक 1। ओके, अगला क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका लखनऊ में। इसके अलावा एक और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज स्थित है? सिडबी, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज। ओके, अगला सवाल, ओरिजिनल नेम रानी लक्ष्मीबाई का क्या था? मूवी देखी हो ना अभी तुम लोग, कंगना रनौत की। देखो ओरिजिनल नेम क्या था, दैट इज मणि कर्णिका। ठीक है, किनके बारे में बात हो रही है? रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, इनका जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज मणि कर्णिका। ओके, ये तो सभी को पता होगा, मूवी भी देखे होगे, जो कि झांसी ऑफ रानी थी। ठीक है, और ये जो है लीडिंग फीचर्स रही हैं, आप सभी को पता है, जो इंडियन, ये जो रिवॉल्ट हुआ था हमारा 1857 का, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था बताइएगा? ऑप्शन ले लो, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, या फिर कुछ भी नहीं। चलो अगला देख ले हम लोग। अगला क्वेश्चन है जर्नल अल हिलाल और अल बलग के एडिटर कौन है? इसका आंसर क्या है? अबुल कलाम आजाद। ओके, फिर अगला सवाल है कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? आंसर करो भाई, क्या आंसर है? गुरु गोविंद सिंह। ओके, इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये आपके जो 10th गुरु थे सिख के, उसके थे। ठीक है, ये 10th गुरु थे। इनके पिता का जो है सर काट दिया गया था, वो इस्लाम में नहीं कन्वर्ट हो रहे थे इस वजह से। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ ले इस चीज़ के बारे में। ओके, और एक और भी चीज़, जो नेपाल बैंक है वो इस बार 3 सिक्के अलग अलग तरीके के जो है जारी किया है। ओके, किसके लिए? जो 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक जी की। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। दम्फा और लम्पो ट्राइब कहाँ पर मिलते हैं? द आंसर इज, आंसर करो भाई, क्या आंसर है? दम्फा और लम्पो ट्राइब कहाँ मिलते हैं? जो लोग नहीं कर रहे हो वो लोग भी कोशिश करो कि सभी लोग किया करो। दम्फा कह रही हूँ मैं, दफला है एक्चुअली। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग, ओके, बाय मिस्टेक, माफ़ करिएगा, गुस्से में इधर उधर निकल जाता है। ओके, थकान में इधर उधर निकल जाती हैं चीज़ें। ठीक है, चलो भाई, इस सवाल को आप लोग होमवर्क ले लो कि ये कहाँ के आपके जो है ट्राइब्स हैं। ठीक है, होमवर्क पे नाराज मत हुआ करो यार, आपके भले के लिए होमवर्क दिया जाता है, इसलिए नहीं कि अब कोई ऐसी चीज़ जो आपको गूगल में ना मिले, किसी किताब में मिले नहीं, इस दुनिया में ना मिले, मैं अपने आप से बना के दी हूँ, तो वो समझ आता है, मैं आपको नहीं बता रही हूँ। लेकिन जो चीज़ आपको ईजिली मिल सकती है गूगल पे, एक बार आप डालोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो जो चीज़ अवेलेबल है वो तो आप देख सकते हो ना, गुस्सा नहीं करने का। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। ठीक है, मैं मिस्टर इंडिया से वापस आ जाती हूँ, कल से कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, जब भी हम लोग जो है सेशन एंड करने जा रहे हैं। कल मेरी आवाज़ चली गई थी और आज मैं मिस्टर इंडिया बन गई हूँ। मैं बताती हूँ जो भी चीज़ें होनी होती हैं वो हमारे ही सेशन में होती है। ओके बच्चों, ओके भाई, ओके, चलो हमारे एडिटर सर आ चुके हैं और मैं वापस आ जाती हूँ मिस्टर इंडिया की पोजीशन से। ये आ गई मैं वापस। चलो, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू पीपल, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।